ट्रैकिंग होती है, जीपीएस लगा होता है, डॉग के ओनर की और डॉग की इन्फॉर्मेशन दी जाती है अगर डॉग कहीं घूम जाता है तो। तरकसगा मंडली, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है आदित्य बलेरा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं ड्रेको को माइक्रोचिप लगाने के लिए क्लिनिक में। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डॉक्टर को कॉल किया था मैंने, डॉक्टर बोले कि आ जाओ। तो गाइज ये है माइक्रोचिप, ये डालने वाले हम आज ड्रेको के शोल्डर वाले साइड में। तो चलो डायरेक्ट क्लिनिक में जाके मिलते हैं। अभी तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ड्राइव करते करते शूट करना वीडियो बनाना सही बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ये जो माइक्रोचिप है ना, इसका ये निकाल पड़ा। ये देखो गाइज माइक्रोचिप का जो इंजेक्शन है ना, इस टाइप का रहता है। यहाँ पे ये कैप ओपन करना पड़ता है और फिर ये इंजेक्ट करके अंदर इंसर्ट हो जाता है वो माइक्रोचिप। तो अभी कुछ दिन पहले ना ये मेरे बैग में ही था और ये जो रेड वाला दिख रहा है ये इसका लॉक है। ये लॉक अपने आप ओपन हो गया था और ये प्रेस भी हो चुका था और माइक्रोचिप बाहर आ चुकी थी कैप। अच्छा हुआ कैप थी इसलिए ना, तो माइक्रोचिप घूम जाती। तो अभी फिर से मैंने इसको हाथों से अंदर डाला और अभी डॉक्टर के पास लेके आया माइक्रोचिप इंसर्ट करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि मेरे ऊपर लाइट क्यों ब्लिंक हो रहा है, ये देखो ये रोड लैंप है, ये ब्लिंक हो रहा है। तो चलो अभी डॉक्टर आएंगे, फिर आपको दिखाऊंगा मैं कि इसको किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, ये डाल दो उसमें। देखो उधर से डॉग आ रहा है, उसको कैसा कंटिन्यू देख रहा है। नो नहीं नहीं, वो बीच में आया ना इसलिए वैसे। ए ड्रेको का है? तो गाइस यहाँ पे मुझे सर पूछ रहे थे कि हॉस्पिटल के अंदर लगाना है या फिर बाहर। तो मैं पहले अंदर गया और जाके देखा तो ड्रेको के हिसाब से स्पेस थोड़ा कम थी, क्योंकि मुझे पता था ये एक जगह बैठेगा नहीं अच्छे से, मुझे माइक्रोचिप लगाने देगा नहीं। तो इस वजह से फिर मैंने डिसाइड किया कि इसको माइक्रोचिप बाहर लगाना। तो सर को बोला मैंने कि सर बाहर ही लगा लेते हैं। और यहाँ पे ड्रेको का मजल थोड़ा ढीला हो चुका था तो इस वजह से मुझे और टाइट करना पड़ा, क्योंकि इसने निकल लिया था। फाइनली डन, ड्रेको ने बहुत परेशान किया।
लगा। तो गाइस हो गया इसका भी फाइनली माइक्रोचिप इंसर्ट हो गया है, देख रहे हो आप मुझे कितना पसीना आ रहा है। तो चलो अभी डायरेक्ट घर पे चलते हैं और घर पे जाके बात करते हैं। कितनी बड़ा कितनी घर ही मंगी घर पहुंचता 5 मिनट। तो गाइस अभी मैं आपको इसका पूरा सिस्टम बता देता हूँ कि ये किस तरीके से यूज होता है। तो ये देखिए, ये माइक्रोचिप के इंजेक्शन में इस तरीके की कैप लग के आती है, ठीक है। ये एक कैप इस तरीके से ओपन होती है और ये जो वाइट वाला इसमें डंडी दिख रही है, ये पॉइंट इसके ऊपर रहता है हमारा माइक्रोचिप। अभी ये अंदर डाल देता हूँ मैं, इसके अंदर रहता है माइक्रोचिप और ये रहता है रेड वाला, ये रेड वाला है ना, ये रहता है लॉक। ये लॉक इसलिए रहता है ताकि ये निकल के ये अपने आप प्रेस ना हो जाए। फिर भी ये मेरे साथ हो चुका था क्योंकि मैंने बैग में रखा था तो मेरा ध्यान भी नहीं था। तो ठीक है, ये लॉक निकाल लिया हमने और फिर डॉग की ऐसी स्किन पकड़ी जाती है और इसमें ऐसा इंजेक्ट किया जाता है और जब इसमें से टिक से आवाज आ जाएगी तब समझ लेना कि आपके डॉग में माइक्रोचिप इंसर्ट हो गई। तो अभी आपको मैं आवाज भी दिखा देता हूँ, देखो ठीक है। तो मेरी माइक्रोचिप ना, ये वाइट वाला पॉइंट है, ये कैसा दिख रहा है इस तरीके से यहाँ बाहर आ चुका था। तो मैंने मतलब हाथ अच्छे से सैनिटाइज किए थे और ग्लव्स वगैरह पहन के इसके साथ ऐसे अंदर डाल दिया था, देखो ऐसे अंदर डाल दिया था। तो गाइज मैंने जब मेरे साथ ये हुआ तो मैंने ना यूट्यूब पे बहुत सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, मुझे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था कि ये माइक्रोचिप मतलब वापस कैसे डाला जाता है। तो मैंने जब KCII वालों को भी कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप माइक्रोचिप और उसके ओरिजिनल पेपर भेज दीजिए, हम दूसरा माइक्रोचिप दे देंगे। बट यार फिर मैंने बोला भी वापस दे ही रहे हैं तो क्यों ना हम एक बार ट्राई करते हैं कि ये अंदर जाता है या नहीं। तो मैंने अच्छे से हैंड वॉश किए सैनिटाइजर से और ग्लव्स वगैरह पहने और बस अंदर पुश करके देखा तो इजीली चले गया और मैं एकदम मतलब जितना भी मेरे को टेंशन था तो पूरा टेंशन निकल गया। बोला चलो अभी इसको अंदर डाल देते। तो फिर कैप लगाई मैंने अंदर डाल के और फिर से ये पुश करके देखा तो फिर सेम वैसे ही आया, बोला अब जम गया। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैंने ये आज ही इंसर्ट मतलब ये माइक्रोचिप मैंने आज ही अंदर डाला और मैं बिना टाइम गवाए मैं आज ही अपने क्लिनिक पे गया मयूर काटे सर के यहाँ। और जो लोग हमारे नागपुर के हैं वो उन डॉक्टर को पहचानते ही होंगे, तो उनके यहाँ पे जाके ड्रेको के बॉडी में इंसर्ट कर लिया। और गाइस इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि माइक्रोचिप में मतलब ट्रैकिंग होती है, GPS लगा होता है, ऐसा वगैरह कुछ नहीं है। ये जो KCII के जो माइक्रोचिप आते हैं ना उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं रहती, सिर्फ एक माइक्रोचिप नंबर रहता है जो हमारे KCII के पेपर में भी रहता है। ये माइक्रोचिप जो है KCII का वो डॉग के बॉडी में इसलिए डाला जाता है क्योंकि बहुत लोग ऐसे फ्रॉड करते हैं, मतलब कुछ भी ऐसे फ्रॉड पेपर बना के अपने पपी सेल कर देते हैं और तो इसलिए ना ये माइक्रोचिप डालते हैं। और भी कुछ रीज़न होगा, ये मैं अपने सोच के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो इस वजह से ना ये माइक्रोचिप डॉग के इसमें जाती है और फिर जब डॉग शो में पार्टिसिपेट करता है फिर उसको कुछ टाइटल वगैरह लगता है तो उसका वो माइक्रोचिप नंबर स्कैन किया जाता है और जो पेपर पे KCII के पेपर पे जो माइक्रोचिप रहता है वो मैच किया जाता है और फिर उसके बाद उनका प्रोसीजर करते हैं वो लोग। तो इसलिए ये माइक्रोचिप यूज़ किया जाता है। और हाँ, और एक माइक्रोचिप रहता है वो मतलब KCII का नहीं रहता है, उस माइक्रोचिप में ना डॉग की इन्फॉर्मेशन रहती है और डॉग के ओनर की इन्फॉर्मेशन रहती है ताकि अगर मतलब अगर किसी का डॉग अगर घूम गया और कोई अच्छा इंसान है तो वो, हमारे इंडिया में तो उतनी मशीन्स अवेलेबल है नहीं और इतने ईमानदार लोग भी है नहीं कि अगर डॉग मिल गया तो ईमानदारी से वापस करेंगे, बहुत कम लोग हैं। आजकल तो लोग डॉग्स भी चोरी करते हैं। तो खैर मैं उस माइक्रोचिप के बारे में बताता हूँ। तो उसमें ना डॉग के ओनर की और डॉग की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, अगर डॉग कहीं घूम जाता है तो वो लोग ना तो वो माइक्रोचिप ऐसे स्कैन करके उस ओनर का पता लगता है और फिर उस ओनर को कॉल करके बुलाया जाता है कि भाई आपका डॉग यहाँ आया है तो
प्लीज़ आप यहाँ पे आके अपने डॉग को लेके जा सकते हो। और बस इस तरीके की माइक्रोचिप रहती है, इतना मुझे पता है, बाकी की अगर होती होगी तो मुझे पता है, और अगर होती होंगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो गाइज़ कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और गाइज़ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज़ मैं आज का वीडियो यही एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।